नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पंचायत चुनाव से पहले जारी की गए फंड और मुखिया कितना खर्च कर सकेंगे इसके बारे में। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर दो बड़े अपडेट के बारे में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। चुनाव आयोग एक तरफ जहां चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इस साल अप्रैल से मई के बीच में पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई है। प्रदेश में यह पहली बार होगा जब बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बार के पंचायत चुनाव में एक दूसरा बदलाव किया गया है, जिसमें किसी भी बूथ पर 700 से अधिक मतदाता मतदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आयोग इस पर ध्यान दे रहा है कि किस तरह से बढ़े हुए बूथों को मैनेज करना है। देश में कोरोना काल लागू होने के कारण पिछले कई नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त 1254.50 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसको लेकर बताते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बताया है कि आयोग की अनुशंसा से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी किश्त की राशि जारी कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इस राशि में से 878 करोड़ ग्राम पंचायतों के खाते में, जबकि 250 करोड़ पंचायत समितियों को और 125 करोड़ की राशि जिला परिषद को आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। उन्होंने बताया है कि यह राशि अनटाइड फंड में दी गई है, जिसका उपयोग त्रिस्तरीय पंचायत अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकेगी। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चुनाव के उम्मीदवारों के प्रस्तावकों को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के पदों के उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक बनने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अनुसार केंद्र या राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत या पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मचारी के प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक के भी प्रस्तावक बनने पर रोक लगाई गई है। आयोग के अनुसार पंचायत के अधीन संविदा पर तैनात कर्मियों के भी प्रस्तावक बनने पर रोक लगाई गई है। पंचायत के अधीन मानदेय या संविदा पर कार्यरत कर्मियों में पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र एवं अन्य कर्मी इनमें शामिल है। पंचायत में कार्यरत मानदेय पर कार्यरत दलपति और होमगार्ड को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ता, जीपी, लोक अभियोजक या वैसे सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा शुल्क देकर नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें भी प्रस्तावक बनने के लिए अयोग्य करार कर दिया गया है। आयोग के अनुसार सहायक लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक है, अतः ये भी प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। आयोग ने हिदायत दी है कि जिन्हें उम्मीदवार के प्रस्तावक बनने पर रोक लगाई गई है, अगर वे प्रस्तावक बनते हैं तो नामांकन पत्र की जांच के दौरान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से बूथों के परीक्षण का कार्य कर लिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी बूथ मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बूथ किसी भी धार्मिक स्थल पर भी नहीं होना चाहिए। आयोग तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो इसकी जानकारी आयोग को पहले दे दी जाए। आयोग आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव से संबंधित हर जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक शेयर करने की बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन की माने तो बिहार में अप्रैल से मई के बीच में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले सभी जिले में अधिकृत अधिकारियों को मतदान केंद्र का जायजा लेना है, जिसके बाद अधिकारी मतदान केंद्र की लिस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपेंगे, जिसे आयोग की सहमति से प्रकाशित किया जा सकेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।